परिस्थितियां बदलते ही धर्म बदल जाते हैं, इसलिए धर्मशास्त्रों में कभी कभी विरोधी विचार भी मिलते हैं। So Shruti is the Sanatana Dharma, the Vedas, which are permanent, eternal, and Smritis are the texts that are changing, things that happen in history. New events happen, new laws are made, society changes. So all that we learn about society, politics, history, science, human beings comes under Smriti. And all we know about the ultimate reality comes under Shruti. So this is an extraordinary feature about our tradition. It is neither something fixed in history, nor is it something that's so permanent that it cannot handle change and progress and research and new developments. The Hindu Dharma, which is the modern term for the Vedic tradition, is both permanent, eternal, has a solid foundation, and it's also constantly evolving, adapting with the newest things happening in time. So if somebody says that a particular tradition is no longer useful, no longer meaningful, well, we can create a new smriti. There is no law against it. In fact, the people who wrote the ancient smritis themselves said that these smritis are for a certain time and a certain context. And every period of time, every location, every situation must develop its own smritis. इसलिए स्मृतियां कई हैं जो अलग अलग युगों में लिखी गई है। धर्म शास्त्रों ने भारतीयों के उपभोग पर दिशा, देश और काल की सीमा लगा दी। जैसे तीर्थ में हिंसा नहीं करूंगा, विशेष तिथि में बैल नहीं जोतूंगा, विशेष तिथि या वार को मांस नहीं खाऊंगा, प्रकृति से उतना ही लूंगा जितने का वह पुनर्भरण कर सके। हर प्राणी की मादा धरती का रूप है, उसके हनन से सातत्य टूटता है, उसको मारना अधर्म है, कभी कभी नर को मारना भी अधर्म हो जाता है। ये लोग इस विषय में उज्जैन के राजा भर्तहरि की कथा सुना रहे हैं। आज राजा भर्तहरि ने एक नर हिरण को ही तीर मारकर घायल किया है, लेकिन लगता है इसमें भी अधर्म हो गया है, हिरणियां पीछे पीछे आ रही है। राजन, आप हम में से किसी एक का शिकार कर लें, हमारे झुंड में ये एकमात्र नर बचा है, उसको भी आप ले जा रहे हैं, हमारा वंश कैसे चलेगा, हम अनाथ अंधकार में कैसे जिएंगी। राजा नहीं माना, हिरणियों ने श्राप दिया, राजन जैसा हम पर हुआ आप पर भी हो। राजा को योगी गोरखनाथ मिले, वैराग हुआ, गृह त्याग किया, पत्नी पिंगला अनाथ हो गई। राजा ने हिरणों के सातत्य को तोड़ा, उसका भी सातत्य टूट गया। मनुष्य जाति ने आज वन्य जीवन का सातत्य तोड़ा है, क्या अब मनुष्य जाति के विनाश को कोई रोक सकता है? भारतीयों का ये विश्वास था कि यदि हम प्रकृति के प्रति अपने धर्मों को नहीं निभाएंगे तो वह भी हमारे प्रति अपने धर्म को नहीं निभाएगी, विनाश, महामारी और अकाल मृत्यु लाएगी।